प्रेगनेंसी का छठा महीना दूसरी तिमाही का आखिरी महीना होता है और इस दौरान गर्भवती महिला का पेट बढ़ने से उसमें उभार आ जाता है, साथ ही उसके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। दोस्तों, छठे महीने में गर्भस्थ शिशु भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और इस दौरान गर्भवती महिला का दिल पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से धड़कता है, क्योंकि ऐसे में उसे गर्भ में पल रहे बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन देनी होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने तक गर्भवती महिला का वज़न लगभग 3 से 6 किलो तक बढ़ सकता है। इस दौरान गर्भाशय आमतौर पर पेट के ऊपर 1 इंच या उससे अधिक तक बढ़ता है, जिससे गर्भवती महिला की नाभि बाहर की ओर निकली हुई दिखने लगती है। गर्भाशय बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में खिंचाव होने लगता है और इस वजह से उस भाग में खिंचाव के निशान पड़ सकते हैं। गर्भवती महिला अपने पैरों, स्तनों और पेट पर खिंचाव के निशान देख सकती है। हालांकि कई बार ये निशान प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में दिखते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने में होने वाले बदलावों के कारण गर्भवती महिला को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि पैरों, टखनों और हाथों में सूजन व ऐंठन, थकान व पीठ दर्द होना। इस दौरान उसे सीने में जलन, अपच व कब्ज की दिक्कत भी होती है। तो ऐसे में गर्भवती महिला फाइबर युक्त भोजन का सेवन करे और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। दोस्तों, बच्चे के विकास के लिए पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है, इसलिए गर्भवती महिला को सामान्य से अधिक भूख लग सकती है और इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को मसूड़ों से खून आने की समस्या भी बनी रहती है। इसके अलावा गर्भवती महिला के शरीर में खुजली की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान वज़न बढ़ने के कारण कुछ महिलाओं को खर्राटे की समस्या भी हो सकती है और इस महीने गर्भवती महिला को कई बार हल्के ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, ये छोटे छोटे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ही शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। हालाँकि इस तरह के दर्द ज़्यादातर तीसरी तिमाही में होते हैं। दोस्तों, इस दौरान बढ़ते रक्त संचार यानी कि ब्लड फ्लो तेज होने के कारण गर्भवती महिला के हाथों व पैरों में कड़ापन व झनझनाहट की दिक्कत भी उसे हो सकती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, गर्भाशय बढ़ता है, तो प्रेग्नेंट महिला के शरीर के निचले हिस्से में दर्द रहने की समस्या भी बढ़ती है। अगर गर्भवती महिला के शरीर में दर्द की समस्या है तो इससे राहत पाने के लिए वह गुनगुने पानी में स्नान कर सकती है और इस दौरान गर्भवती महिला की योनि से डिस्चार्ज भी होता है। दोस्तों, छठे महीने में गर्भवती महिला को अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर उसे रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है, क्योंकि बढ़े हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से गर्भवती महिला को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। दिन में तो गर्भवती महिला को शिशु की हलचल इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन रात के समय जब वह सोई होती है तो रात में जब शिशु किक मारता है तब भी गर्भवती महिला की नींद टूट जाती है और वह असहज महसूस करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भस्थ शिशु के विकास की। दोस्तों, इस दौरान ना केवल बच्चे का वज़न बल्कि उसकी लंबाई भी बढ़ती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भस्थ शिशु की लंबाई 1 फुट और उसका वज़न करीब 680 ग्राम के आसपास हो जाता है और छठे महीने के आखिर तक गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 850 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। दोस्तों, इस महीने के अंत तक शिशु लगभग पूरी तरह से बन चुका होता है। हालांकि उसके अंग अभी भी विकसित हो रहे होते हैं और उसके फेफड़े अभी तक स्वयं कार्य करने के लिए विकसित नहीं हुए होते। अब शिशु की स्किन गुलाबी हो जाती है, बच्चे की स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड्स बनने लगती हैं, उसकी आँखें, भौहें और पलकें विकसित होने लगती हैं, बच्चे का सिर ऐसे में लगभग उसके शरीर के अनुपात का हो चुका होता है और उसका चेहरा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। दोस्तों, बच्चे की आँखें अभी भी बंद होती हैं लेकिन वह रोशनी और अंधेरे को महसूस कर सकती हैं और इस महीने से बच्चा बहुत ही सक्रिय होने लगता है और बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया भी देता है। बच्चा अब अपनी माँ की आवाज़ और संगीत सुन सकता है।
इस महीने के आखिर तक बच्चे की अंगुलियां और नाखून विकसित हो जाते हैं और शायद अल्ट्रासाउंड के दौरान गर्भवती महिला को उसका बच्चा अंगूठा चूसता हुआ भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, जिसका अनुभव गर्भवती महिला को तब होता है जब बच्चा हलचल करता है और किक मारता है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को उसकी डॉक्टर ने बताया है कि उसका शिशु कमज़ोर है, बच्चे का वज़न कम है, तो ऐसे में गर्भवती महिला रोज़ाना एक या दो उबले हुए अंडे खा सकती है। और अगर गर्भवती महिला शाकाहारी है तो वह दूध में केला डालकर यानी कि बनाना शेक का सेवन कर सकती है, जो कि गर्भस्थ शिशु का वज़न बढ़ाने में बहुत कारगर है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिला का फिजिकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। ऐसे में वह सुबह शाम की सैर कर सकती है, किसी पार्क में टहल सकती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज व योगासन कर सकती है, जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को सुबह के समय ताज़ी हवा में अनुलोम विलोम करना चाहिए। दोस्तों, एक्सरसाइज से गर्भवती महिला की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, शरीर में लचक आती है, जिससे कि आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं और उसे प्रसव पीड़ा के दौरान भी सहायता मिलती है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी आती तो वह सिंपली टहल सकती है, सैर कर सकती है, धीरे धीरे चल सकती है। ऐसे में उसे अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं है, बस फिजिकली रूप से एक्टिव रहना है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में प्रेग्नेंट महिला समय समय पर अपनी डॉक्टर से जाँच भी करवाती रहे। इस दौरान डॉक्टर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर, गर्भाशय का माप व वज़न चेक कर सकती हैं। शुगर और प्रोटीन का लेवल पता करने के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट कर सकती हैं और गर्भस्थ शिशु के विकास की स्थिति को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कर सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलावों के कारण उसे कुछ दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन अगर इस दौरान तेज़ बुखार हो, तेज़ और लगातार सिरदर्द हो, पेशाब करते समय बहुत जलन हो, योनि से ब्लीडिंग हो, हरे रंग का बदबूदार डिस्चार्ज हो, पैरों और हाथों में बहुत ज़्यादा सूजन हो, मासिक धर्म की तरह ईंधन हो, एक घंटे या 10 मिनट में 5 से अधिक दर्द भरे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो, पेट में बहुत तेज दर्द हो, तो गर्भवती महिला को तुरंत अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।